सबसे पहले आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरुओं को साक्षात नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा और मेरे विषय की ओर प्रस्थान करना चाहूँगा। तो यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्धगण, निष्पक्षगण, उपस्थित सब श्रोतावर्ग, आप सबको नमस्कार करके मैं अपने विषय की ओर प्रस्थान करना चाहूँगा। तो आज मैं पक्ष की ओर से मैं यह कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का वर्तमान प्रचल युवा के भविष्य को नकारात्मक दिशा दे रहा है। मैं जानता हूँ सोशल मीडिया आज हम जैसे युवाओं के जिंदगी के एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, लेकिन साथ ही साथ इस तकनीक ने दुनिया को चार कदम आगे लाकर रखा है, पर साथ ही साथ अपनों से दूर भी किया है। और आज मैं जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम जैसे युवाओं को अपने 12-12 घंटे स्मार्टफोन पे बात करते देखता हूँ, तो मन में न जाने कितने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि मेरे सोशल मीडिया के इन दोस्तों को, यहाँ के युवाओं को जब मैं देखता हूँ तो पता चलता कि इनका भविष्य किसकी ओर जा रहा है। आज ए भगवान, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तूने इतने सारे सुंदर सुंदर चेहरे बनाए, इतने सुंदर सुंदर चेहरे बनाए, 21-21, 22-22 साल के लड़के लड़कियाँ जब अपने स्नैपचैट के उपयोग करके कुत्तों और बिल्ले जैसे मुंह बना के अपना फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो पता चलता ए भगवान, तू इनको इंसान बनाने के बजाय कुत्ते बिल्ली गधे क्यों नहीं बनाए। अगर पता चलता आज के सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम जैसे युवा ये करने लगे और खुद को इतना प्यारा सुंदर चेहरा उसको प्रस्थापित करने की बजाय उसको अपन अगर कुत्तों बिल्ली गधों जैसी शक्ल बनाकर अगर आप उसको प्रचार करना चाहेंगे तो कैसी बात होगी। आज मैं सोशल मीडिया के कुछ ऐसे कारण बताना चाहूँगा जो ये सिद्ध कर देंगे कि आज की सोशल मीडिया युवाओं के भविष्य को नकारात्मक दिशा क्यों दे रही है। सबसे पहला कारण, दिखावे पर विश्वास। आज की युवा पीढ़ी को जो दिखाया जाता है उसी पर वो भरोसा करती है। इसी का फायदा उठाकर यहाँ के कुछ बुरे लोग उसी का फायदा उठाकर जो उनको सामने एक ऐसी तस्वीर बनाए जाते हैं उससे वो, हालांकि वो भावनिक होती है। इसका सबसे दूसरा महत्वपूर्ण रीजन ये मैं बताना चाहूँगा, सेल्फी का बढ़ता क्रेज। आज हर जगह हर एक क्षण को यहाँ के युवा अपने कैमरा में कैद करना चाहते हैं और सोशल साइट्स पर उसका प्रसार करना चाहते हैं। उसका तीसरा और महत्वपूर्ण कारण ये भी है, गलत फहमियों का बढ़ना। आज मैं ऑनलाइन हूँ और मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ मतलब मैं एक दूसरे से जुड़ा हूँ और मैं ऑफलाइन हूँ मतलब एक दूसरे से जुड़ा नहीं हूँ, मैं दुनिया से दूर हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण कारण, यहाँ के युवाओं का गलत आदतों का शिकार हो जाना। आज के युवा सोशल साइट के माध्यम से गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और इसके अन्य कुछ रीजन भी है, वो मैं बाद में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम जैसे युवा वो 21-22 साल के युवा सब सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, तो हमको अगर एक निबंध सोशल अपने भारतीय त्यौहार के ऊपर एक निबंध लिखने को कहा जाए तो हम किस तरह लिखेंगे। तो हम शुरुआत ऐसी करेंगे, भारत में त्यौहार सबसे धूमधाम से मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर यहाँ सब पर अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा कर बड़ों कैमरे के सामने अपने बड़ों के पैर छूते दिखवा कर जब सोशल मीडिया के ये फोटो अपलोड किए जाते हैं और उस दिन लाइक और कमेंट के ऊपर हमारी खुशियाँ उसपे महत्वपूर्ण रहती है। उस दिन हम ना जाने क्यों लाइक्स और कमेंट्स के ऊपर अपने सब खुशियों को महत्व देते हैं। तो अगर हम उस दिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नज़दीकियों को, अपने भाइयों बहनों को हम व्हाट्सएप के जरिए फूल भेजकर, संदेश भेजकर उनको त्यौहार की बधाई दिए जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और अब मैं कुछ ऐसे कारण बताना चाहूँगा जिससे यह भी साबित हो जाएगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के युवाओं को नकारात्मक दिशा देने में क्यों उसका भाग रहा है। दक्षिण कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के थॉमस W. डेल्टे ने यह कहा कि
हम खाली समय अपने दिमाग अपनी जानकारी सुरक्षित करने का काम करता है, पर अगर 24-24 घंटे अगर हम ऑनलाइन रहे तो उसका ये अगर अपने दिमाग को आराम नहीं मिलता तो हम याददाश्त का शिकार हो जाते हैं, उसका याददाश्त पर असर हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण लोगों के संबंध में दखल, पीठ और गर्दन में दर्द, ब्रेकर और तलाक जैसी घटनाएं यहाँ पर दिखाई देती है। सोशल मीडिया आने वाले समय में क्या रूप धारण करेगा यह तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन अगर हम अभी इस समय सोशल मीडिया को जितनी स्वतंत्रता दे रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस जिस दिन किसी चीज को पूरी स्वतंत्रता मिली है वो विनाशकारी ही रहा है। तो आगे जाकर अगर हम सोशल मीडिया को पूरी स्वतंत्रता दे तो आगे जाकर इसका विनाश निश्चित है। धन्यवाद।